प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी। उसका एकमात्र सहारा उसका एक 5 साल का बेटा था। वह दूसरों के घर में काम करके किसी तरह अपना और अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन उसके बेटे को एक सांप ने काट लिया, जिससे उसके बेटे की मृत्यु हो गई। सांप ने उस बच्चे को डसा था। उसे एक बहेलिया ने देख लिया और सांप को लेकर उस औरत के पास आ गया, जो अपने बेटे की लाश के पास शोक में डूबी हुई बैठी थी। बहेलिया उस औरत से कहता है कि इस सांप ने ही तुम्हारे बेटे को डसा है, इसलिए तुम इसे अपने हाथों से मार दो। लेकिन वह औरत कहती है कि सांप को मारने से मेरा बेटा तो जीवित नहीं हो जाएगा, इसलिए इसे मारकर क्या फायदा। बहेलिया उसे समझाता है कि शत्रु को मार देने से तुम्हारा पुत्र शोक कम हो जाएगा, इसलिए इसे मार डालो। परंतु औरत सांप को मारने के लिए तैयार नहीं होती है। बहेलिया सांप को मारने के लिए उकसाता है, पर वह राजी नहीं होती है। यह देख सांप बहेलिये से कहता है कि इसमें मेरा क्या दोष है, तुम मुझे बेवजह क्यों मरवाना चाहते हो। मैंने अपनी इच्छा या क्रोध से इस बालक को नहीं डसा है, मुझे तो यमदूतों ने इसे डसने के लिए कहा था। मैंने यमदूतों की आज्ञा अनुसार इसे डसा था, इसमें मेरा दोष नहीं बल्कि यमदूतों का है। इतने में यमदूतों भी वहां प्रकट हो गए। यमदूतों ने कहा, तुम मुझे दोषी क्यों बना रहे हो, मैंने भी तो धर्मराज जी की आज्ञा से तुम्हें आदेश दिया था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह सारा जगत काल के अधीन है, इसलिए मैं भी उन्हीं के अधीन है। हम कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं करते, इसलिए इस बालक का मौत का दोषी न तुम हो न हम, बल्कि धर्मराज जी हैं इसके दोषी। धर्मदूतों ने सारा दोष धर्मराज जी पर मढ़ दिया। धर्मराज जी भी वहां प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारे पुत्र के मौत का दोषी ना तो मैं हूं, ना यमदूत है और न ही यह सांप है। इस बालक की मृत्यु का कारण इस बालक के कर्म है। इसने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उसी से इसका विनाश हुआ है, क्योंकि मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के हिसाब से ही फल भोगता है। इसलिए यह बालक अपने मृत्यु का स्वयं ही दोषी है। हम सभी ने तो इस बालक के कर्मों के अधीन होकर अपना अपना कर्म किया है। धर्मराज जी की बात सुनकर पुत्र शोक में डूबी हुई वह औरत समझ गई कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इस सत्य को समझते ही उस औरत के मन से पुत्र की मृत्यु का शोक समाप्त हो गया। दोस्तों, सच्चाई यही है कि जब भी हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है तो हमारे कर्मों के हिसाब से ही होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, जिससे हमें धर्मराज जी उसका फल अच्छे के रूप में दें। धन्यवाद।